व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी है और मैं क्या हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाइन अप हैं। एंड पुत्री आर्यानी की एक और गाना है कुछ कुछ होता है, एंड दिस इज़ अगेन एन आइकॉनिक सॉन्ग। पहला कभी खुशी कभी गम था एंड हेयर वी आर कमिंग अप विद द रिएक्शन। लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। एंड हेयर वी गो। हाँ, इंडियन ट्रेडिशनल गाना मानता हूं मैं इसको। व्हाट म्यूजिकल नॉलेज यार, देखो कहां से पिक किया। शी नोज वेयर टू डू। नाइस। कुछ कुछ होता है भाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारे इंडिया में भी एक सिंगर हैं मेनुका पुडेल। उन्होंने अभी अभी शी परफॉर्म्ड इन इंडियन आइडल एंड भाई बहुत ही गजब सिंगर हैं वो भी। एंड मेरे को उनकी याद आई इनको देखने के बाद, एंड आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट वोकल्स वी हैव इन इंडिया आई वुड से। उन्होंने अभी अभी सलार का भी गाना करा एंड उनकी और इनकी थोड़ी सी स्टोरी मेरे को सिमिलर लगती है बिकॉज ऑफ देयर आईज। बट ऑनेस्टली बोलूँ, म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, नथिंग। सीरियसली, इट ऑल डिराइव्स फ्रॉम योर हार्ट। सीरियसली, दिल से निकलता है म्यूजिक। एंड व्हाट टैलेंट वी हैव इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड आई वुड से। अगर मैं आर्याना पुत्री जी की बात करूँ तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे पास भी ऐसा टैलेंट है। एंड जहाँ तक इंडियन गाने जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और अच्छा लैंडमार्क सेट हुआ है हमारी इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो ऐसा टैलेंट लिटरली प्रमोट किया जाना चाहिए। ये मैं आपको यहां पे, सॉरी मैंने कट किया। ना जाने कैसा एहसास है कि एंड में विब्राटो चेक करना। ये विब्राटो आज की डेट में मैंने किसी को ये गाना गाते हुए नहीं सुना है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा लगता है ये चीज़। एंड मैं ऑनेस्टली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय पुत्री आर्याना जी। ब्रिलियंट टैलेंट है। कुछ होता है।
नाइस। हिंदी में इसको तान बोलते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये तान बहुत डिफरेंट थी एंड अच्छी लगी मुझे, मज़ा आया। बिकॉज इस गाने को ना बहुत अलग अलग वर्जन्स में इंडिया में गाया जा चुका है ऑलरेडी, तो हमने इतने वर्जन सुन रखे हैं ना कि कहने की बात नहीं है, लेकिन वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल वर्जन्स आई वुड से। मज़ा आ रहा ये वाला। नाइस। क्या बात है, सबसे एपिक चीज़ पता क्या लग रही है, तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, ये जो पीछे गिटारिस्ट है ना, दो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक बेस गिटारिस्ट है एक नॉर्मल, लुक एट दैट, ये दोनों भी वोकल्स गा रहे हैं, दे आर ऑल्सो सिंगिंग द वोकल्स, बट ऑब्वियसली माइक नहीं है तो आ नहीं रहा, बट दे आर एक्चुअली लिपसिंग इट अप, तो चेक इट आउट। ये देखो There you go. Nice. अमेजिंग यार, टैलेंट डोंट नीड अ लैंग्वेज, सीरियसली हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ, सीरियसली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड एंड मज़ा आया मुझे इनका गाना सुन के। आपको कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर दबाना, बिकॉज बहुत ही बाग कमाल सिंगर हैं एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज ऐसे आर्टिस्ट आने चाहिए थे और होने चाहिए। वाओ नाइस, ब्रिलियंट, मज़ा आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में, हाईली इम्प्रेस्ड एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हर एंड लेट्स सी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर रेकमेंड कर रहे हो तो अच्छे से कर देना यार, मेरा मन तो है इसको रिएक्शन पे डालने का, बट मेरे पास वहाँ पे ना स्लॉट नहीं आ रहा, तो मैं फिलहाल के लिए एक बार रिव्यू पे डाल रहा हूँ, लेटर ऑन विल पुट दिस वीडियो टू रिएक्शन वीडियो, ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा देना, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।